समय शुरू होता है अब। आज जहां हास्य व्यंग की दुनिया में खुशी की हलचल होगी, वहीं राजनीति की दुनिया में चिंता के कुछ नए बादल मंडराने लगे हैं। यूक्रेन में एक हास्य कलाकार या विदूषक अभिनेता वोलोदिमिर जेलेंस्की राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। पूर्वी यूरोप के इस देश में जो इतिहास लिखा गया है, उसकी बहुत व्यापक और ईमानदार पड़ताल हो तो समकालीन दुनिया में लोगों की बदलती मानसिकता का पता चलेगा। ऐसा क्यों हुआ कि यूक्रेन की राजनीति के दिग्गजों को देश के एक चर्चित कॉमेडियन ने धूल चटा दी? जेलेंस्की की जीत कोई तुक्का नहीं है। दो दो चरणों में यह मतदान की दौड़ में अपने प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे रहे हैं। उन्हें 70% से ज़्यादा वोट मिले हैं। 41 वर्षीय जेलेंस्की 17 की उम्र से ही लोगों को हंसाने में लगे हैं और राजनीति में उनकी उम्र लगभग 1 साल है। आकार में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश और परमाणु हथियारों का जखीरा रखने में दुनिया में कभी तीसरे स्थान पर गिना गया यूक्रेन अब एक प्रसिद्ध स्थानीय कॉमेडियन जेलेंस्की के हाथ में है। जेलेंस्की ने देश को भ्रष्टाचार और सीमा पर अलगाववादी ताकतों से मुक्त कराने का वादा किया है। उनके मंत्रिमंडल में चुनाव हारने वाले राष्ट्रपति पोरोशेंको भी हो तो आश्चर्य नहीं। बहरहाल यहाँ पर अब तक के सबसे बड़े कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की याद आना स्वाभाविक है। चार्ली राजनीतिक रूप से बहुत सजग थे, लेकिन सीधे राजनीति में उतरने की बजाय उन्होंने फिल्मों के जरिए एकाधिक देशों की सत्ता को प्रभावित किया। उनके मुकाबले जेलेंस्की की ख्याति कुछ नहीं है, लेकिन जेलेंस्की की स्थानीय टीवी के जरिए अर्जित ख्याति का सफर लाजवाब है। वर्ष 2015 में उनकी कंपनी ने सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम से टीवी धारावाहिक शुरू किया था, जिसमें एक सामान्य शिक्षक के रूप में वह दर्शकों को हंसाते हंसाते राष्ट्रपति पद पर पहुंच गए। राष्ट्रपति की भूमिका से उन्होंने देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने का आभास कराया। धारावाहिक के नाम से ही मार्च 2018 में राजनीतिक पार्टी बनाई और 31 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के घोषणा कर दी। 3 महीने में ही मतदाताओं ने संकेत दे दिए कि वह पर्दे के राष्ट्रपति को वास्तविक राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। यह सब कुछ इतना सिनेमाई है कि धुरंधर राजनेता भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये क्या कैसे हुआ? क्या लोग नेताओं और उनके प्रचलित ढर्रे से इतने उब गए हैं? क्या आज के नेता अपने गंभीर काम पर कम ध्यान दे रहे हैं और अपनी हरकतों बयानों की वजह से पेशेवर और गैर पेशेवर विदूषकों को हंसाने के अवसर ज़्यादा देने लगे हैं? क्या यह राजनेताओं के लिए गौर करने की बात नहीं है कि जेलेंस्की को यूक्रेन का डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा था? आज राजनीति और समाज
में नेतृत्व संभाल रहे लोगों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन अति आवश्यक हो गया है। कहना न होगा, राजनीति जब मुद्दों और जरूरी गंभीरता से भटकती है तब विदूषकों के लिए जगह तैयार करती है। बेशक लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उसने जब विश्वास किया है तो यह हंसने हंसाने की उम्मीद करने का नहीं, बल्कि यह देखने और इंतजार करने का समय है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन को कहां ले जाएंगे।